नाजरीन रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हाजरा सुहेल और जब महापारा एक साथ बैठे होंगे तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है। तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है। तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है। तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है। तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए।
तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए।
तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए।
तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए।
तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है। तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है। तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है। तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है। तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए।
तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए।
तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए।
तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए।
तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली तो हाजरा महापारा को नीचा दिखाने के लिए महापारा से कहेगी कि तुम मान लो कि मोहब्बत में सिर्फ जिल्लत ही मिलती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो महापारा अपनी भाभी से कहेगी कि नहीं भाभी, मोहब्बत तो सिर्फ इज्जत देती है। तो सुहेल महापारा से कहेगा तो तुम ही बताओ जो मोहब्बत नहीं होती वो क्या देती है और क्या होती है? तो महापारा सुहेल से कहेगी जो मोहब्बत नहीं होती वो सिर्फ हमदर्दी, तरस और एहसास होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी जानब आप देखेंगे हाजरा अपनी माँ को फोन कर कहेगी कि आप महापारा को उसकी औकात याद करवा दें, अब रोहित किसी भी सूरत महापारा के रास्ते में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे रोहित हाजरा की ये सारी बातें सुन लेगा तो महापारा के पास जाएगा और उसे समझाएगा कि तुम उस घर के लोगों से तल्लक मत बनाओ, तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोच सकती, वो तुम्हें नौकरों की तरह ही ट्रीट करेगी। जब महापारा रोहित की एक नहीं सुनेगी तो रोहित महापारा को कह देगा कि खबरदार, अगर आइंदा उस घर में आने की कोशिश की, तुम नौकर हो और नौकरों को उनकी हदूद में ही रहना चाहिए। तो नाज़रीन क्या महापारा अब वो घर छोड़ देगी या नहीं, या फिर रोहित महापारा का भरपूर साथ देगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।